जोहार कृषि दर्शन कार्यक्रम में सब किसान मन के जतरू भाई बटले बहुत बहुत जोहार और संगे रोल मनकर कार्यक्रम में स्वागत है और साथ ही रुमकी का भी आप सभी को प्यार भरत नमस्कार। क्या हाल समाचार है भौजी? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? एकदम बहुत नगद। तो जल्दी जल्दी हम लोग आज शुरुआत करेंगे कृषि समाचार। एकदम एकदम किसान मन, आओ हमारे मन देरी नहीं करती और देरी नहीं करके हमारे मन फटाफट कृषि समाचार देख लो। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है, आपके साथ मैं हूँ सबा गुलरेस। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। फसलों की अच्छी बढ़वार के लिए जरूरी है पोषक तत्वों का संतुलन। लतेदार सब्जी फसलों में कीट नियंत्रण के लिए उपयोगी है नीम और राख। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड मत्स्य विभाग द्वारा मछली पालकों को पक्का आवास उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसमें लाभुक के रूप में वैसे मछुआरों का चयन किया जाता है जो आवास विहीन हो या कच्चा मकानधारी हो और पूर्व में इंदिरा आवास योजना जैसी किसी आवास योजनाओं से लाभान्वित ना हुए हों। चयनित लाभुकों को पक्का आवास निर्माण के लिए केंद्र द्वारा निर्धारित राशि उपलब्ध कराई जाती है। किसान भाई, आप अपने फसलों में पोषक तत्वों के संतुलन के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर ही उर्वरकों का उपयोग करें। संतुलित पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए 50 किलो नेत्रजन, 60 किलो फास्फेट और 60 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। पोषक तत्व की जो मात्रा डालनी चाहिए वो 50 केजी नेत्रजन, 60 केजी फास्फेट और 60 केजी पोटाश। तो 50 केजी नेत्रजन के लिए किसान भाई करीब करीब 100 केजी यूरिया डालनी पड़ेगी, जिसकी आधी मात्रा 50 केजी लगाने के टाइम में और 50 केजी एक महीने के बाद डालनी चाहिए। और 60 केजी फास्फेट के लिए अगर एसएसपी डालेंगे तो 300 केजी एसएसपी लगेगी और 60 केजी पोटाश के लिए 100 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश की आवश्यकता पड़ेगी। किसान भाई, लतेदार सब्जी फसलों में लगने वाले कीट के रोकथाम के लिए नीम निर्मित दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा गोईठा के राख में केरोसिन मिलाकर भी फसल पर भुरकाव कर सकते हैं। नीम से कई कीटनाशी दवाइयां तैयार की जाती हैं। ये जैविक कीटनाशी होती हैं और फसलों पर इनका कोई दुष्प्रभाव भी नहीं होता। लतेदार सब्जी फसलों में कीट नियंत्रण के लिए किसान कई घरेलू उपचार का भी सहारा ले सकते हैं। किसान भाइयों, लतेदार सब्जी की देखभाल बहुत अच्छे ढंग से करें। उसमें जो कीट जो लगते हैं उसके लिए आप समय समय पर नीम से बनी दवाइयाँ, जैसे पत्ती को रात भर पानी में छोड़ के उसमें किरोसिन की मात्रा को डाल के छिड़काव करें। साथ साथ गोबर गोएठे की जो राख है उसमें किरोसिन तेल थोड़ी सी मात्रा मिला के और सवेरे उसमें उसका छिड़काव करें। जो किसान लतेदार बोदी की खेती करना चाहते हैं वो इस फसल से शानदार उपज प्राप्त करने के लिए अर्का गरिमा, IVR CP1 या पूसा फाल्गुनी नामक उन्नत प्रभेदों का चयन कर सकते हैं। राज्य के जो किसान लतेदार बोदी की खेती करना चाहते हैं उन्हें उन्नत प्रभेदों के चयन और बुआई के वक्त कतारों और पौधों के बीच की दूरी के संबंध में कृषि विशेषज्ञ की सलाह है। लतेदार किस्में में जो अच्छी किस्में हैं अर्का गरिमा, IVR CP1, पूसा फाल्गुनी, ये वैरायटियां हैं जो लतेदार किस्म की हैं और इनके बीच में जो दूरियां हम रखते हैं पौधे से पौधे के कतार से कतार के बीच की दूरी 1 मीटर और पौधे से पौधे के बीच की दूरी हम लोग 50 से 60 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं। राज्य के किसान कृषि उपकरण स्प्रिंग टाइन कल्टीवेटर की सहायता से सूखा या गीला नर्सरी बेड तैयार कर सकते हैं, साथ ही इससे चौड़ी कतार में निकाई गुड़ाई करने का काम कर सकते हैं। इस यंत्र की कार्यक्षमता 0.35 से 0.5 हेक्टेयर प्रति घंटा है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान
42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आई नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2200 रुपए से 2300 रुपए, चावल मध्यम 2500 रुपए से 2600 रुपए, चावल उत्तम 3400 रुपए से 3500 रुपए, गेहूँ 1800 रुपए से 1850 रुपए, चना 3300 रुपए से 3400 रुपए, दाल अरहर 5500 रुपए से 6400 रुपए, दाल मसूर 4800 रुपए से 5000 रुपए, दाल चना 3900 रुपए से 4000 रुपए, सरसों तेल 9000 रुपए से 9400 रुपए, चीनी 3300 रुपए से 3400 रुपए, आलू 1000 रुपए से 1200 रुपए और प्याज 950 रुपए से 1050 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जोहार भाई। देखो कार्यक्रम के हमरे मन आगे ले गब, लेकिन कार्यक्रम के जानकारी से भरपूर भरल पूरल कार्यक्रम के देखे से पहले हमरे मन छोटा सा एक ठो विराम ले लेवो थी। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जाँच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिन भिनाहट में, खुशियों की आहट में, NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। विराम कर बाद एक धाव फिर से कार्यक्रम में रोमन कर स्वागत है। और जैसा कि हम कहते थे कि हम बता ली कि कार्यक्रम में हमरे मन कर जानकारी से भरल पूरल रहेला, तो कार्यक्रम में जानकारी हमरे मन और कर बिल्कुल है। और जो आज की हमने जानकारी चुनी है वो है क्या? देखो भाई, गर्मी का दिन है और गर्मी का दिन में बड़ी बढ़िया हमरे मन सब्जी, हरियर हरियर सब्जी का उत्पादन करी ला, लेकिन उनकी देखभाल हाँ, भी बहुत जरूरी बहुत जरूरी है भाई। देखो गर्मी कर दिन में हमरे मन अपन गतर काय कर देखभाल करी ला, तो सब्जी कर बटे भी तो ध्यान देना बहुत जरूरी है। जी हाँ, तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि गर्मा जो सब्जियां आपने लगाई रखी है उसमें आप किस तरह से देखरेख करें, किस तरह से उनका बचाव करें, इसके बारे में आज हम पूरी जानकारी दिलाने वाले हैं। और जानकारी हमरे मन के दबे अंजलि मिश्रा जी, आओ इनकर से जानकारी के लो। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र बलियापुर धनबाद में है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं यहीं की एक वैज्ञानिक श्रीमती अंजलि मिश्रा। ये हमें जानकारी देंगी कि गर्मा सब्जियों की देखभाल कैसे करें और खास कर तक गर्मी के सीजन में इसकी सिंचाई का प्रबंधन कैसे करें। मैडम, जैसा कि हमने विषय ही चुना है कि गर्मा सब्जियों की देखभाल और एवं सिंचाई प्रबंधन, तो खास कर तक अगर हम अपने झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यहाँ पानी की बहुत किल्लत है। आप भी जानती हैं, हमारे किसान भाई भी इससे रूबरू होते हैं आए दिन। तो हमारे किसान भाई गर्मा सब्जियों की देखभाल कैसे करें, इसके बारे में बताएं। गर्मा सब्जियों में मुख्यतः जो है कद्दू वर्गीय फसल, जैसे कि हो गया कद्दू, हो गया खीरा, हो गया करेला, हो गया ये सब लगाते हैं। और जैसे ये हुआ कि बैंगन लगाइए, अभी टमाटर लगाते हैं, धनिया पत्ती, मूली, ये सब जो भी लगाते हैं साग सब्जी, जैसे पालक हुआ, लाल साग भी लगता है और भी कई तरह के साग आते हैं जो हम लगा रहे हैं। तो अभी का सीजन मेन क्या है कि पूरी तरह गर्मा आ गया है,
तो चार अभी तो देख रहे हैं हम लोग, दो चार दिन से 40 डिग्री से भी ज़्यादा टेम्परेचर हो चुका है, तो इसमें सब्जी वर्ग को झुलसने का ज़्यादा संभावना है। इसके लिए इसमें सिंचाई प्रबंधन सबसे मुख्य हो जा रहा है, तो इसलिए आपको ये विशेष ध्यान देना है कि सब्जी का सिंचाई जो करें वो सुबह में करें या फिर शाम में करें। जैसे सुबह में करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी का यूज हो पाएगा, और यदि दोपहर में करेंगे पूरा वो जो है पानी वाष्प बन के निकल जाएगा और पानी का कम से कम यूटिलाइज होगा। इसलिए किसान भाइयों ये ध्यान रखें कि सिंचाई करते समय सुबह के टाइम में करें या फिर शाम के टाइम में करें, ताकि आपका जो है पानी कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी का उपज हो, और ये खास ध्यान रखना है सिंचाई प्रबंधन का आपको। इसके अलावा और हमारे किसान भाई सिंचाई प्रबंधन पर क्या ध्यान? सिंचाई प्रबंधन पे जैसे अभी तो है कि ड्रिप सिंचाई भी लोग कर रहे हैं। ड्रिप सिंचाई मतलब कि आपको बूंद बूंद उसका उपयोग करना है। ड्रिप्स के द्वारा आप काफ़ी अच्छा फसल, सब्जी का फसल काफ़ी अच्छा कर सकते हैं और काफ़ी कम पानी में बहुत ज़्यादा उपज ले सकते हैं। ड्रिप में है कि आपको आपका जो भी पानी होगा वो सीधे सब्जी के जड़ में जाएगा और सब्जी के जो पौधा है उसको मिलेगा। और जनरली क्या होता है, जब हम लोग नाला में पानी चलाते हैं क्यारी बना के, तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा अंदर चला जाता है, लेकिन सब्जी को इतना मिलना है वो तो मिलता ही है, लेकिन और उसमें पानी का बर्बादी भी होता है थोड़ा। और ड्रिप के द्वारा जब आप करेंगे सूक्ष्म सिंचाई मतलब बूंद बूंद के द्वारा, तो उसका एक बूंद पानी भी बर्बाद नहीं होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो भी फसल में जाएगा और जितना आपको उपज मिलना चाहिए काफ़ी अच्छा उपज मिलेगा और सब्जी का क्वालिटी भी काफ़ी बड़ा अच्छा रहेगा। जैसे कि गर्मा सब्जियों में भी उर्वरकों का प्रयोग होता है जी, जी। तो उर्वरकों का प्रयोग बूंद बूंद में हमारे किसान भाई किस तरीके से कर सकते हैं? इस बूंद सिंचाई में जो है टपक सिंचाई योजना में जो है हम उर्वरक जो डालते हैं उसमें डायरेक्ट टैंकी में हम लोग डाल देते हैं, ताकि जो है हमारा लेबर कॉस्ट बचे। जब हम लेबर से करवाते हैं तो कॉस्ट काफ़ी बढ़ जा रहा है, लेकिन जब बूंद टपक सिंचाई योजना में कराते हैं तो टैंक में डालते हैं और डायरेक्ट उसका सप्लाई जो है पानी के थ्रू जो है चला जाता है बूंद बूंद करके और प्रत्येक पौधे में चला जाता है, और इससे हमारा मजदूरी भी बढ़ता है और समय भी कम लगता है, जिससे कि हमारा पूरी तरह सिंचाई का फ़ायदा भी हम ले सकते हैं और इससे हमारे किसान भाइयों को फ़ायदा हो सकता है। उनके लेबर कॉस्ट में कमी आएगी, मतलब लागत मूल्य कम पड़ेगा और फ़ायदा उनको ज़्यादा होगा। ये तो मैडम आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को सिंचाई के बारे में। अब चलने से पहले हमारे किसान भाइयों को ये बता दीजिए कि गर्मा सब्जियों में और किन किन बारीक बातों पर ध्यान दें? गर्मा सब्जियों में जो है कीट भी काफ़ी लग रहा है और आप उसका जो है जैसे बैंगन में उकटा रोग हो जाता है, तो उसको आपको रोग नियंत्रण करना पौधे को उखाड़ के फेंक दीजिए। टमाटर में भी रोग लग रहा है उसका भी नियंत्रण करें, और खास करके ये खरपतवार भी हो जाते हैं। ऐसे ड्रिप सिंचाई में तो खरपतवार कम होते हैं, लेकिन फिर भी खरपतवार तो हो ही जाते हैं जो कि सब्जी के वृद्धि में बाधक होते हैं। इसलिए आप उसका खास ध्यान रखें कि खरपतवार जो है उसको बीच बीच में अपने मजदूरों से या अपने जो खेती कर रहे हैं किसान भाइयों वो अपने से उसका बीच में देखभाल करके खरपतवार बीच बीच में हमेशा निकालते रखें और क्यारी को साफ रखें, ताकि जो है पानी या खाद या कीटनाशक जो भी हम दे रहे हैं वो हमारा मेन पौधे को ही लगे, सब्जी के पौधे को ही मिले, ताकि वो कम से कम बर्बाद हो और ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज हो उसका, और पानी का भी यूटिलाइजेशन होगा और दवा जो हम लोग डालते हैं कीटनाशक उसका भी सीधा पौधे को ही लाभ मिलेगा। ऐसे क्या है कि खरपतवार रहने से पौधे की वृद्धि कम होती है और जो है वो बाधक होते हैं और जिससे कि उत्पादन क्षमता कम हो जाती है हमारी। इसलिए खरपतवार नियंत्रण को भी किसान भाइयों को ध्यान में रखना है और इस करते हुए कि सब्जी की खेती को करना है। मैडम ये तो हो गई हमारे सब्जियों की, गर्मा सब्जियों की देखरेख के बारे में। अब वापस हम आते हैं फिर सिंचाई पर, क्योंकि सिंचाई ही गर्मी के लिए बहुत ज़रूरी है और फसल तो बिना सिंचाई के संभव ही नहीं है। तो जैसा कि आपने शुरू में ही बताया कि टपकन विधि, तो टपकन विधि हमारे हर एक प्रकार की सब्जियों के लिए है क्या? जैसे कि हम अपने पीछे देख रहे हैं बैंगन में भी, टमाटर में भी, कद्दू वर्गीय या फ्रेंच बीन में, सब सब्जियों में ही टपकन विधि प्रयोग किया जा सकता है क्या? आप जो टपकन विधि के बारे में पूछ रहे हैं, ये खास करके कद्दू वर्गीय जो है इसमें जो हम लोग थाला बना के करते हैं तो उसमें भी टपकन विधि हम यूज़ कर सकते हैं। चाहे वो कद्दू वर्गीय जैसे कि खीरा हो गया आपका और कद्दू हो गया और करेला हो गया, इसमें जो है हम लोग थाला बनाते हैं और थाला में पानी डालते हैं, जिससे कि पानी सिंचाई यदि हम ड्रिप से डालते हैं तो पूरा बूंद बूंद उसके जड़ में ही जाता है। और जैसे कि अभी बैंगन हम लगाते हैं, फ्रेंच बीन भी अभी है जो कि हमारे खेतों में अभी लगा हुआ है,
ये सब में भी जो है, चाहे टमाटर हो, इसमें भी टपकन विधि के द्वारा हम सिंचाई कर सकते हैं और कम से कम पानी में अच्छा से अच्छा उत्पादन पा सकते हैं। और किसान भाइयों, सभी किसान भाइयों के पास तो ड्रिप का सुविधा नहीं है, जो अपने मग से या बाल्टी से भी दे सकते हैं, तो उनके लिए ये सलाह दी जाती है कि वो सुबह के टाइम में, जैसे कद्दू का थाला हम जैसे अभी बोल रहे थे, उसी में थाला में पानी दें, चाहे खीरे का हो, चाहे ये करेला हो, सभी के थाले में जाके मग से पानी उसके जड़ में डालें, ताकि जो भी पानी हो वो सीधे उसके जड़ को मिले और पौधे का वृद्धि हो उससे। और जब हम ये नाला में प्रवाह करते हैं तो पूरे खेत की सिंचाई करनी पड़ती है, जिससे कि पानी जो है ज़्यादा से बहुत ज़्यादा बर्बाद भी होता है और सूख भी जाता है, ज़्यादा बर्बाद हो रहा है। लेकिन जब थाला में डालते हैं तो जो हमारा मुख्य मकसद है कि पौधे के जड़ को देना है, तो वो सीधा जड़ तक हमारा जल पहुँचता है और उसका किसान भाइयों का मेहनत जो है वो सफल होता है। अब पानी, कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई हम कर सकते हैं, उसके लिए सुबह करते हैं और फिर शाम में भी अच्छी सिंचाई कर सकते हैं, खास करके दोपहर में नहीं करना है। अच्छा, तो देखा किसान भाइयों, सिंचाई जो है वो मुख्यतः सुबह या शाम में आप करें, दोपहर में बिल्कुल ही ना करें, ये मैडम ने विशेष तौर पर आपको बताया है। मैडम, आप हमारे कार्यक्रम में आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। और देखो किसान मन, हमारे मन के एक ठो संदेश भी देख लेक चाहिए, और इस संदेश है बहुत हमारे मन वास्ते कारगर है, कारण है कि जो गर्मी कर खेती हमारे मन कर थी, उकर में सिंचाई का प्रबंधन कैसे होक चाहिए, टपक विधि से हमारे मन के खेती करे है, और इकरे बारे में संदेश है, आओ हमारे मन देख ले। प्रणाम मास्टर जी। हाँ, प्रणाम प्रणाम। क्या बात है बिरजू, बहुत उदास नजर आ रहे हो। हाँ, शहर कमाने जा रहा हूँ, नहीं तो खाऊंगा क्या। मगर तुम्हारे पास तो काफी जमीन है। मगर सब बेकार मास्टर जी, बरसात में भगवान भरोसे थोड़ा बहुत खेती हो जाता है, बाकी दिन तो खेत पड़ते ही रहता है ना, और खेतों को तो भरपूर पानी चाहिए। अरे बिरजू, पानी खेतों को नहीं फसलों को चाहिए। मतलब? मतलब ये कि सूक्ष्म सिंचाई विधि अपनाकर यदि सिंचाई की जाए तो 30-50% पानी की बचत की जा सकती है। सूक्ष्म सिंचाई पद्धति, ये क्या है? सूक्ष्म सिंचाई पद्धति यानी टपक विधि या स्प्रिंगवेल सिस्टम। मगर देखो बिरजू, अगर मगर कुछ नहीं, किसानों के लिए सरकार के द्वारा अनुदान और बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। सच? सच, 100% सच। और खुशियों की गारंटी। हाँ देखो भाई, संदेश तो हमरे मन कर बहुत कारगर है, कारण है कि गर्मी कर मौसम है, और गर्मी कर मौसम में हमरे मन के खेती बाड़ी कर संगे संगे पानी कर भी बचत करना बहुत जरूरी है। और देखो लागल हमरे मन के अब दोसर जानकारी बटे भी जाए चाहिए। बिल्कुल, और जो दूसरी वाली जानकारी हम लेकर आए हैं वो ये है बोदी के विषय। हाँ, लेकिन झाड़ीदार, एकदम लगत रोड़ी कहली, तो जो झाड़ीदार बोदी कर खेती है, उकर प्रभेद हमरे मन कैसे चुनाव करब, उकर खेती कैसे करे है, देख रेख कैसे करे है, पूरा जानकारी हमरे मन के कर लेना है भाई। हमरे मन किसान ही, किसान खेती करेला, लेकिन उत्पादन बढ़िया नहीं हुए तो हमरे मन कर आर्थिक स्थिति है जे की बड़ा चरमरा जाला। बिल्कुल, तो ये व्यवस्था जो है हम पूरी तरीके से अपने किसान भाइयों को दे देते हैं, और इसकी जानकारी आज हमें दे रहे हैं डॉक्टर एस के पान। आज हम उपस्थित हैं ICAR के कृषि अनुसंधान केंद्र हार्प प्लांडो में। हम आज बात करेंगे झाड़ीदार बोदी की फसल के बारे में। इस पर विशेष जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर पान जी। जान लें कि झाड़ीदार बोदी झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कितना उपयोगी साबित हो सकता है। जी हाँ किसान भाइयों, ये सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर झारखंड में बोदी की खेती बहुत सफलतापूर्वक होती है। बोदी जो कि गर्मी एवं बरसात दोनों मौसम में बहुत अच्छा से इसका खेती किया जा सकता है। तो जो झाड़ीदार बोदी है तो इसका इस क्षेत्र में, जैसे हम लोग फरवरी से इसका बुआई शुरू कर देते हैं जो उपयुक्त समय, लेकिन किसान अभी भी इसका बुआई कर सकते हैं, और इस महीना में, फिर मई महीना में, जून महीना में जो बरसाती खेती के लिए कर सकते हैं। लेकिन गर्मी की खेती के लिए अभी भी जो फसल पहले लगा चुका है वो खेत में खड़ी है, और अभी इस समय लगाने के लिए भी किसान भाई अभी बुआई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि जो फसल आपके खेत में है उसकी आप कैसे देखभाल इस वक्त में करेंगे। अभी जो झाड़ीदार किस्म खेत में है, तो जो फरवरी में लगाया गया, तो इस समय
उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो हमको देखभाल करना है, जिस समय पर सिंचाई देना अति आवश्यक है, जो कि इस समय फल और उसका फली लग रहा है, तो इस समय नमी कमी होना इसके लिए अच्छी नहीं है, पैदावार कम हो जाएगी। इसलिए जो कि गर्मी का मौसम है तो हफ्ता में 2 बार सिंचाई देना अति आवश्यक है। जैसा उन्नत तरीके से खेती करने से, जैसे हमारे आप लोग देख रहे हैं, जैसे हम लोग ऊंचा बेड पर और मल्चिंग जो प्लास्टिक मल से ढके हुए हैं और उसके उसमें हम लोग खेती कर रहे हैं, और उसमें जो टपकन विधि से सिंचाई कर रहे हैं, उसमें हर दिन उसमें पानी चलता है थोड़ा देर के लिए, 1 घंटा के लिए, तो उससे पौधा को सही मात्रा में पानी का उपलब्धता हो जाता है, उससे पैदावार अच्छा मिलता है। और जो इसमें कीड़ा और बीमारी का प्रकोप होता है, तो विशेष करके जो इसमें जो छेदा पत्ती खाने वाला और फली छेद करने वाला कीड़े, उसके लिए जैसे क्लोरपाइरिफॉस दवा या एकालक्स दवा का प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें जैसे वायरस बीमारी होता है, उसके लिए वो देखते हुए जैसे वो पत्ती के ऊपर हरे पीले धब्बे पड़ जाते हैं, तो वो बीमारी फैलता है जो बाहा कीड़ा द्वारा, तो लाही कीड़ा द्वारा, तो उसके लिए हम लोग जो रोगर दवा 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। तो आइए अब हम ये जान लें कि इस वक्त जिस बोधी के पौधों को आप खेत में लगाएंगे, उसके लिए आप क्या तैयारी करें, कौन सा उचित समय होगा और कौन सी किस्मों का आप अभी चुनाव कर सकते हैं। जी हाँ, जैसे अभी किसान भाई जो लगाना चाहेंगे, बुआई करना चाहेंगे, तो खेत की तैयारी अच्छे से कर ले, 3-4 बार अच्छे तरह से जुताई करके और क्यारी बना ले, उसमें जो सड़ी हुई गोबर की खाद करीब 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टर की दर से प्रयोग करते हैं, और रासायनिक खाद जैसे यूरिया 22 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से, 315 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट और 85 किलोग्राम म्यूरेटो पोटास प्रति हेक्टर दर से बुआई से पहले हम अच्छे तरह से मिट्टी में मिला देते हैं। और जो बुआई हम करते हैं, लाइन से लाइन में हम बुआई करते हैं, और लाइन से लाइन की दूरी हम 2 फीट रखते हैं, और लाइन में बीज से बीज की दूरी हम 1 फीट रखते हैं, और करीब 1 हेक्टेयर खेती के लिए जो झाड़ीदार किस्म का 25 से 30 किलोग्राम बीज का आवश्यकता हो जाती है। तो ये इस और बीज को उपचार करना भी अति आवश्यक है। वेबिस्टिन दवा करीब 2 से 2.5 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से उपचार करके ही हम बुआई करें तो बीमारी से हम मुक्त रहेंगे। तो इस तरह का खेती करने से किसान भाई को फायदा का सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है उन्नत किस्म का चयन करना। तो हमारे इस केंद्र से जो विकसित किस्म है वो है स्वर्ण मुकुट, जो झाड़ीदार किस्म है, जिसका फली करीब 25 से 30 सेंटीमीटर लंबा है, सफ़ेद रंग के होता है, और ये बहुत आगे की किस्म है। करीब 45 दिन में, मतलब 1.5 महीना बुआई के बाद तुड़ाई शुरू हो जाती है, 70 से 80 दिन में फसल ख़त्म भी हो जाता है, फिर किसान भाई और दोबारा लगा सकते हैं। तो उन्नत किस्म, और हमारे यहाँ और भी एक किस्म है जिसका नाम है HACP 44, उसका भी यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। और जो किसान भाई बाहर का किस्म इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे हमारा भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी से भी 2 किस्म का विकास हुआ है, काशी श्यामल एंड एवं काशी कांचन, तो ये दोनों किस्म का भी किसान भाई इस्तेमाल कर सकते हैं बाज़ार से खरीद के। लेकिन हमारा इस प्लांडू से जो बीज प्राप्त हो जाएगा वो है स्वर्ण मुकुट और HACP 44, ये दोनों बहुत अच्छी किस्म है, जो खेत में अभी आप देख रहे हैं फसल लगा हुआ है, अच्छी किस्म है और जल्दी तैयार भी हो जाते हैं। भी जान लें कि पौधों में जब फली लग जाती है उस वक्त में क्या विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, या फिर वो अपने आप ही एक अच्छा फल दे लेंगे, या किस तरह से हम सुरक्षित रखेंगे ये जान लेते हैं। जी हाँ, जैसे ये किस्म उन्नत किस्म है, इसमें अच्छा फली लगते हैं, फली का उपज क्षमता, मतलब पौधा का जो उपज क्षमता है जो किस्म का, वो करीब 150 क्विंटल प्रति हेक्टर के दर से, मतलब 60 क्विंटल प्रति एकड़ के दर से इसमें पैदावार होता है। और जो कि इस समय जिस समय पौधा बढ़ जाएगा,
उस समय कुछ कीड़ा का प्रकोप होता है, तो उसके लिए जैसे मैं बोला एकलक्स या क्लोरपाइरिफॉस दवा का प्रयोग करें, या जैसे जो वायरस मोजाइक बीमारी होता है जिसमें हरा पीला धब्बा पड़ जाता है, तो उसको एक दो पौधा देखते उसको नष्ट कर देना चाहिए उखाड़ के, और उसको जो बाहक कीड़ा जो लाही कीड़ा है जो रस चूस के क्षति पहुँचा झोन में रहता है, तो उसको मतलब नियंत्रण करने के लिए जो रोगर दवा है 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर हम छिड़काव कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि झाड़ीदार बोदी की खेती के बारे में जो एक आवश्यक जानकारी थी वो आपको मिल गई होगी। तो अब के लिए इतना ही, नमस्कार। बहुत नगद जानकारी देखो हमरे मन शुरू में जानकारी कर ली कि भाई कैसे कैसे हमरे मन के खेती करना है, सब्जी कर खेती गर्मी कर मौसम में, और झाड़ीदार बोदी कर भी खेती हमरे मन के कैसे पूरा तरह से हमरे मन जान के लिए खेती बाड़ी कर। बिल्कुल, जानने के बाद अब जो सबसे आखिरी में हम करते हैं वो भी कर ले, एकदम बता दो पता भाई किसान मन एकदम तैयार है कॉपी और पेन लेके। पता हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड और पिन संख्या 8340001। और हमरे मन बढ़िया बढ़िया जानकारी रोल मन खातिर लेके आवा बेहे कार्यक्रम में, रोल मन देखते रह हमरे मन कर कार्यक्रम, और इकरे संगे हमरे मन के जाय कर भी विदा देऊ रोल मन। तो हमें आज के लिए दीजिए इजाजत, जोहार।